वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स डियर फ्रेंड्स। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संधि का, क्योंकि जो मैं आज जो टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर ज्यादा मतलब कह सकते हैं इसमें हर किसी कॉम्पिटिशन में आता है। तो जो ये टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तो मतलब आईपीएस और आईएएस बनने के लिए इस टॉपिक को बहुत करना जरूरी है। तो इस टॉपिक को मैं आपको करा रहा हूँ और इस टॉपिक को देखते हैं। इसके बाद में जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप संधियों को पहचान सकते हैं। अगर आप संधियों को नहीं पहचानेंगे तो फिर तो एग्जाम में आप बहुत जल्दी, क्योंकि एग्जाम में जितने भी पॉइंट होते हैं उनको आप बहुत जल्दी फाद, यानी उसमें बहुत कम टाइम मिलता है आपको करने के लिए। तो जो कम टाइम में यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर ले तो वही एग्जाम को क्रैक कर पाता है। तो वैसे तो मैं बेसिकली आपको ये जो संधि है इन सबको करवाऊंगा ही, इसके साथ में मैं आपको बेस्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप संधि पहचान सकते हैं। क्योंकि हम जो संधि करेंगे हम ये नहीं चाहते कि एक भी पॉइंट हमारा छूटे, तो हमें संधि पूरी कवर करनी है। उसके साथ भी हमें ट्रिक भी देखनी है कैसे क्या करना है। तो हमारे साथ लगे रहिए चैनल पे। और हाँ, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके बाद में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट, हम शुरू कर रहे हैं हमारी संधि। तो देखते हैं संधि क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी जो दो वर्ण होंगे उनमें जो परिवर्तन होगा उन परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, यानी ज्वाइनिंग कहेंगे, जंक्शन भी बोल सकते हैं इसे। तो संधि कितने प्रकार की होती है बेसिकली, तो संधि वैसे तो तीन टाइप की होती है, मगर स्वर संधि को हम मिला दें तो वो हो गई हमारी पांच टाइप की। इसमें वैसे बेसिकली तीन टाइप की होती है, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो हमारी संधि होती है बेसिकली वो तीन टाइप की होती है। और वो कौन कौन सी होती है, एक तो स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो जो हमारा सबसे पहला है वो है स्वर संधि। स्वर संधि के जो भेद होते हैं यानी प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, वो होते हैं पांच। स्वर संधि के जो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं वो होते हैं पांच। सबसे पहला हमारा स्वर संधि, सबसे पहला कौन सा हमारा स्वर संधि, दूसरा अकोर संधि, तीसरा है गद संधि और चौथा है हमारा यल संधि और अयात संधि। पहला है हमारा दीर्घ स्वर और दूसरा है गुण वृद्धि और अयाद या अयर उसको बोलते हैं। तो हमारा पहला होगा वृद्ध संधि, गुण संधि, इसके बाद में अयात संधि, यल संधि और लास्ट में बच गया हमारा वृद्ध संधि। तो ये हमारे जो पांच टॉपिक हैं, जो पांच मेन संधियां इनसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको पहले हम कर लेते हैं, फिर करेंगे हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद में हम करेंगे बेस्ट ट्रिक कि किस तरीके से आप संधियां पहचान सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताए हैं। मैंने बस अभी इतना ही नोट करा है कि कितने यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कितने टाइप की होती है, प्रकार की होती है, तीन टाइप की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, वो होते हैं पांच। एक तो सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और इसमें हमारा वृद्ध संधि हो गया, अयादि और यर संधि। इनको आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप अगर नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, वीडियो को देखना नहीं है, मेरे साथ नोट भी करते हुए चलना। मैं आपको पूरा टॉपिक, आज के बाद कभी संधि आप भूलेंगे नहीं, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट होगा तो वो कौन सा होगा, तो इसे नेक्स्ट में देख लेते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होगा, स्वर संधि में देख लेते हैं, ह्रस या दीर्घ आ ई ऊ के बाद यानी कि क्रमशः स्वर आए आ ई ऊ, तो क्या हो जाता है मिलकर, बड़ा आ, बड़ी ऊ और बड़ा ओ। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि स्वर संधि की सिर्फ यह पहचान होती है कि स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वर होते हैं और कुछ नहीं। तो ये बेस्ट ट्रिक इसकी है, जिस किसी भी संधि में स्वर आए तो आपको आंख बंद करके लगा देना है कि वो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। मैं आपको बता देता हूं, धर्म प्लस अर्थ यानी कि धर्म, ये हो देखो धर्म, धर्म आ हो गया और अर्थ तो क्या हो गया, यानी कि आ प्लस आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा, यानी कि क्या हो गया, बड़ा। ऐसे ये वीर, वीर आ प्लस आ मिलकर क्या होगा, वीरांगना। इसमें भी
वीर यानी छोटा प्लस छोटा बराबर क्या मिलके क्या हो गया वीरांगना। ऐसे देव देव आ प्लस आ और फिर क्या हो गया देवालय यानी बड़ा आ, देव प्लस आलय यानी कि देवालय, इसको आपको ध्यान रखना। सीमा यानी कि बड़ा आ, आ प्लस आ यानी कि फिर हो गया सीमा, आ प्लस आ होकर मिलकर क्या हो गया बड़ा सीमांत जैसे बोलते हैं, ऐसे देवालय ऐसे महात्मा। और भी होती विद्या प्लस आलय विद्यालय, भू प्लस ऊर्जा भू ऊर्जा, तो विद्या प्लस आलय यानी कि विद्या प्लस आलय यानी कि विद्यालय बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। महात्मा तो महात्मा महा प्लस आत्मा यानी कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या हो गया बड़ा आ। नेक्स्ट हमारा है हरि प्लस ईश यानी कि हरि प्लस ईश हरीश यानी कि ये हो गया हरि यानी कि हरि ई प्लस ई मिलकर क्या हो गया बड़ी यानी कि ई ये हो गया छोटी ये हो गया बड़ी बड़ी ई तो ये मिलकर क्या हो गया बड़ी यानी छोटी ई प्लस बड़ी मिलकर क्या हो गया पहले तो हरि ई ये ई हो गया प्लस ई बराबर क्या हो गया बड़ी ई यानी हरीश। नेक्स्ट रजनीश रजनी प्लस ईश यानी कि रजनीश इसको आपको ध्यान रखना। भानु प्लस उदय यानी कि भानुदय और लघु प्लस उर्मी यानी लघु लघु यानी छोटा लघु उ प्लस उ यानी कि क्या बन गया बड़ा उ प्लस उ मिलकर क्या बन गया बड़ा उ यानी लघु उर्मी। बधु प्लस उत्सव यानी कि बधुत्सव विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय भू प्लस ऊर्जा ऊर्जा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमें सिर्फ पहचानना है कि हम एग्जाम में कैसे कर पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें बड़ा आ जाए बड़ी ही आ जाए वो आ जाए यानी स्वर आए आ ई उ जिसमें स्वर आएंगे वो सब क्या होगी हमारी स्वर संधि आपको इसको पहचानना है ये बेस्ट ट्रिक है। और किसी में स्वर आए या ना आए उससे आपको मतलब नहीं है जिसमें जिसमें स्वर आ जाए तो ये बेस्ट ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है। स्वर संधि वो होती है स्वर संधि के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है एक तो भानु ये बधु प्लस उत्सव लघु प्लस उर्मी ये सीटेट और टीटेट में बहुत ज्यादा सीटेट और टीटी जो टेट होता है उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर साल ये आया हुआ है लघु प्लस उर्मी। और एक ये आता है देव प्लस आलय देवालय और महा प्लस आत्मा ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी है दीर्घ स्वर संधि। अब चलेंगे हम नेक्स्ट संधि पर तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए फिर मैं बढ़ूंगा आगे आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो घोड़ संधि हमारा सेकंड स्टेप है इसके बाद हम चलेंगे ब्रज संधि। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ घोड़ होगा इसके अलावा कुछ नहीं होगा उसमें था स्वर सिर्फ स्वर के बारे में पूछा जाता था यहाँ सिर्फ क्या होंगे गुड़ होंगे इसकी क्या बेस्ट है इसको मैं आपको बताता हूँ इसके बाद में तीन और बेस्ट है उसको बताऊंगा। तो जिसमें स्वर होगा उसमें तो आपको पता ही है कि उसमें क्या होना है सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि होनी है वो तो एग्जाम्पल आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा गुड़ संधि यानी गुड़ संधि में क्या होगा इसमें गुड़ होगा आ और आ के बाद क्या हो जाता है ई या ई के बाद ऊ या ऊ के बाद ए ए ओ अर हो जाता है तो आपको उसके ध्यान रखना ए ए ओ और अर हो जाता है आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें एग्जांपल है नर यानी आ प्लस ई नरेंद्र यानी कि क्या हो गया ए यानी कि ये नर आ और प्लस ई बराबर क्या हो गया ए नरेंद्र हो गया। तो नरेंद्र महेंद्र धनेन्द्र गजेंद्र जितने भी यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी आपको दिखे जिनमें गुड़ हो तो वो सब क्या होंगे गुड़ संधि। देखो मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र इंद्र गुड़ है सुरेंद्र यानी कि इंद्र गुड़ है सत्येंद्र यानी कि इंद्र गुड़ है नरेश यानी नर प्लस ईश भगवान का नाम आ रहा है इसमें तो ईश गुड़ है महा प्लस इंद्र महेंद्र यानी इंद्र गुड़ है महा प्लस ईश तो महेश इसको मैं लिख दे रहा हूं महेश महा प्लस ईश महेश गुड़ आ रहा है इसमें पर प्लस उपकार परोपकार यानी उपकार कर रहा है ना तो गुड़ आ रहा है ना तो गुड़ है सोचने की जरूरत ही नहीं है आराम से हो जाए सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्य ऊर्जा तो इसको क्या हो गया ये सूर्य ऊर्जा तो सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्य ऊर्जा इसमें क्योंकि एनर्जी मिल रही ना तो जब एनर्जी मिल रही है सूर्य ऊर्जा इनके बारे में पूछा जा रहा है तो क्या हो रहा है गुड़ है महा प्लस उदय
महोदय, यानी कि गुड़ है महोदय, कह रहे महोदय साहब आ गए तो गुड़ है। देव प्लस ऋषि देवर्षि, यानी कि ऋषियों की बात हो रही है, गुड़ है। महा प्लस ऋषि महर्षि, भाई गुड़ है। महा प्लस उत्सव महोत्सव, यानी महोत्सव कोई महोत्सव मनाया जा रहा है। महा प्लस उत्सव महोत्सव, मत देखो महा यानी कि आ प्लस उ, महो प्लस उत्सव देखो क्या हो रहा है ओ, मैंने बताया ना उसको महा प्लस यानी कि क्या हो गया आ प्लस उ मिलकर क्या हो गया ओ आ गया ओ ऊपर। ऐसे देव आ प्लस रिर यानी कि रिर ये रा रा ये आ गया रा, तो क्या हो गया अर। देव अर यानी क्या आ रहा है अर। ऐसे पर रा यानी कि आ पर या पर आ यानी उ, तो क्या आ गया मैंने बताया उ, तो देखो क्या आ रहा उ, तो आ गया उ मिलकर क्या हो गया देखो ऊपर देखो यार ए ओ ओ हो जाता है तो परो ओ, तो हो गया ओ। पर प्लस उपकार, तो पर आ प्लस उ मिलकर क्या हो गया ओ, यानी कि परोपकार। इसको आपको पहचानने की बेस्ट ट्रिक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिंपल सी ट्रिक थी। कोई सा याद ले लो इसमें से नर, अब नर आ नर छोटा प्लस ई, तो क्या हो गया ए, देखा ना ए नरेश हो गया। ऐसी महा नीचे नहीं आ रहा है, लिख दे रहा हूं महा आ बड़ा प्लस ई प्लस ई, तो क्या हो गया महे ए, तो क्या हो गया आ प्लस ए मिलकर क्या हो गया महेश। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट ट्रिक है, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हम लोग बहुत तरीके की ट्रिक बताई होंगी, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। आप पूरे इसको देखिए, आप ये मत समझिए कि जो ये यूट्यूबर है कि बेसिकली ये नया है पुराना है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। आपको जो अच्छा पढ़ा रहा पूरे यूट्यूब पे आप उससे पढ़िए, आप मेरे चैनल से मत पढ़िए, आपको जो अच्छा आप कहीं से पढ़िए, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से पढ़िए, कहीं से पूरे यूट्यूब में जो आपको भी अच्छा लगेगा तो आप उसे ही पढ़ेंगे, जहां भी आपको समझ में आएगा तो आप वहां से पढ़िए, मगर लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ लगातार आराम से, क्योंकि मैं ये आपको समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसमें ये समझ जाएं। जैसे ये लिखा हुआ सूर्य, तो सूर्य ये क्या है सूर्य, तो क्या आ रहा उ प्लस उ, तो क्या आ गया देखो ना सूर्यो, तो क्या आ ओ आ गया सूर्यो आगे देखो ओ। तो ऐसी आपको ट्रिक बनानी है जिसको पता चल जाए, और ये आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कह दिया जिसमें भी आपको गुण दिख जाए, जिसमें भी आपको गुण दिख जाए वो सब क्या होंगे, वो हमारे होंगे सब गुण संधि के एग्जाम्पल। जहां भी स्वर दिख जाए वहां आपको तो सुनने क्या दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वर। तो आप इनको नोट कर लीजिए, और इसके बाद क्योंकि वीडियो आपको सब मिलेगी, क्योंकि वीडियो बनाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि और कोई नहीं है, इसलिए वीडियो बनाने थोड़ा टाइम लगता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बाद में फिर वीडियो बनाता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाता इतना कि मैं वीडियो बना पाऊँ। मगर आज के बाद अगर ये जो आपने संधि पढ़ ली ना, तो आज के बाद आप संधि बिल्कुल भूलोगे नहीं, संधि को नोट कर लीजिए, इसके बाद में फिर बढ़ेंगे हम आगे, तो संधि को नोट करिए और फिर बढ़ेंगे आगे, संधि को नोट कर लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी है, जैसे महा लिखाइए महा, तो आ प्लस उ, तो क्या हो गया ओ, जो वो है ओ आ रहा ऊपर, तो ये बैकबोर्ड के हिसाब से मैंने सब बता दिया आपको। कोई भी एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत नहीं होनी है, कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं होनी, तो आप उसको नोट कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो रही है, कुछ भी कोई दिक्कत हो रही है, तो आप जरूर कमेंट करके जरूर पूछें, और कोई भी पहले बात तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको मैं जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, अब ये वृद्ध संधि, यानी वृद्धि आपको पता है कि वृद्धि किस हिसाब से होगी, तो आ या आ बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो आ, और आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं वो हो जाते हैं औ, हो जाते हैं दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं औ। अब आप देखिए इसमें एक यानी आ, आ प्लस आ यानी कि मिलकर क्या हो गया बड़ा आ, अब हो क्या गया देखो ये आ है एक है यानी क्या हो गया
अब ये एक आ प्लस एक आ प्लस क्या हो गया, तो मिलकर क्या हो गया, बड़ा ओ हो गया, डबल मात्राएं आ रही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जिसमें भी, और पहली बात तो आपको ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे जितने भी पूरे YouTube पे आपको कहीं ट्रिक नहीं मिलेगी जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आपको कुछ करने की पढ़ने की इसमें प्रतिसंधि में जरूरत ही नहीं है कि आप प्रतिसंधि को पढ़ो, ऐसे एक सेकंड में आप उसका आंसर दोगे। देखो मैं आप बता रहा हूँ कैसे दोगे उसका आंसर, तो आप देखो जिसमें भी डबल मात्राएं आपको दिख जाए, देखो एक है मैत सदैव महेश्वर बनोस महोस, अब ये परमोस औस और ये दंतोस, तो ये महाप्लस होस महोस, तो ये आपको ध्यान रखना महाप्लस होस, तो महोस महोस नहीं होता महोस होता, तो आपको ध्यान रखना महाप्लस ओजसी महोसी दंत प्लस दोस्त तो दंतोस, आपको इसको भी ध्यान रखना है इन चीजों को जो आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर भी आपको डबल मात्राएं देते हैं वो सब क्या होंगे हमारे, वो सब क्या होंगे, वो होंगे हमारे सब वृद्ध संधि के अंतर्गत आएंगे। देखो इसमें भी डबल मात्राएं आ रही है, इसमें भी डबल मात्रा आ रही है, इसमें भी डबल मात्रा आ रही है, सब में तो इसमें भी डबल मात्रा आ रही है, तो इसमें भी डबल मात्रा आएगी महोस, इसमें भी डबल मात्रा आएगी, इसमें भी डबल मात्रा आएगी, तो आपको इसको ध्यान रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए, जहां भी आपको डबल मात्रा दिख जाए तो वहां सब क्या होगा, वो होगा सब, मैं जाता हूं आप इसको नोट कर लीजिए, एक सेकंड इसको आप नोट करिए जल्दी से, फिर मैं इसको हटा दूं, यहां पर ये महोज ही होगा, जहां पर भी आपको दिख जाए डबल मात्रा आप आंख बंद करके लगा दीजिए, वहां पर सब क्या होगा, वहां पर होगी वृद्ध संधि, जैसे महा ये आ आ प्लस आ, अब आ रहा ओ, तो क्या हो गया, अब ये यहां पर है तो क्या हो गया, ओ हो पहले दे रखा ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं ओ, यानी बन बन मीन्स आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बनाओ, यानी कि ये क्या हो गया ओ, महा आ प्लस, अब ए आ गया ए, देखो इसमें ए है तो ए लिखा हुआ है ए आए, तो ए क्या हो जाता है, मिलकर हो जाता है ओ, यानी कि जहां भी डबल मात्रा आएगी ऐसी महा महा आ प्लस ओ प्लस मिलकर क्या हो जाता है, आपको ध्यान रखना ओ, तो जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए वहां पर क्या होगी वृद्ध संधि, यहां पर स्वर दिख जाए वहां क्या होगी स्वर संधि, जहां पर आपको गुण दिख जाए वहां पर क्या होगी गुण संधि, आप इस ट्रिक को ध्यान रखना है, दो हमारी बात अच्छी लगी है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, यर संधि, तो यर संधि को हम देखते हैं फोर है जो हमारा, यदि आ यदि ई ई उ उ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, उ का उ हो जाएगा और बा तथा ऋ का रा हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है, और इसको भी ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ जो आपको देखनी है, कहीं भी आपको पूरे उसमें आधा वर्ण मिल जाए, जहां पर आधा अक्षर हो वहां पर क्या होगी आपकी आदि संधि होगी, आपको ध्यान रखना है सॉरी यर संधि होगी, जहां पर भी आपको आधा अक्षर दिख जाए वहां पर क्या होगी आपकी यर संधि होगी, तो देखो इसमें आधा अक्षर है यद्य यद्य भी, इसमें भी आधा है आधा यद्य, अगर हम लिखेंगे इसको तो यद्यपि यद्य प्लस अभी यद्यपि यति प्लस आदि इत्यादि, आधा अक्षर है न्यून आधा अक्षर है प्रत्येक, देखो आधा अक्षर है इसमें भी स्वच्छ स्वच्छ, इसमें भी देखो आधा अक्षर है, इसमें भी देखो आधा अक्षर है दिख रहा है, आधा ना मात्र क्या आधा मात्रा आधा मात्रा पृत अपित्र पितृक्षा अभू वादि, तो इसको आपको ध्यान रखना, अब आते हैं ये तो होगी ट्रिक कि जिसमें भी आधा अक्षर दिख रहा है आपको सर एक दो में तो आधा अक्षर नहीं दिख रहा है, किसी किसी में आधा अक्षर दिख रहा है किसी में आधा अक्षर नहीं दिख रहा, तो हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में, तो अति अति यानी अति प्लस आ, यानी कि मैंने बताया ना ई प्लस आ मिलकर आया तो क्या हो जाएगा अति, यानी कि हो जाएगा हमारा ये, यानी कि आ या वा या आ, तो क्या हो रहा है इसमें
अति ई प्लस आ मिलकर क्या हो जा रहा, वा, तो क्या हो गया हमारा अत्यधिक। इसमें अति ई प्लस आ मिलकर मैंने ऊपर लिखा है, ऊपर देखो देखो ई ऊ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए तो उ और उ का बा ऋ का रा हो जाता है, यानी कि अति प्लस आ का बा हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया फिर हमारा अत्यधिक। ऐसे यदि प्लस अपी यदि ई प्लस अब इसमें भी हो गया वा, तो हमने पहले बता दिया यति प्लस आदि यानी इत्यादि, नी प्लस ऊन यानी कि नी यानी कि आ गया नी, ई प्लस ऊन यानी कि ई प्लस ऊ क्या हो गया हमारा बड़ा हो यानी न्यून, तो मिलकर क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, तो हमारा क्या हो गया इसमें ऊ। प्रति प्लस एक इसमें क्या हो गया प्रत्येक यानी आधा अक्षर है स्वच्छ, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जिसमें भी आधा अक्षर आपको दिख जाए वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे हमारे यह संधि के एग्जाम्पल। सु प्लस आगत स्वागत, अनुप्रेत प्लस एसर अनुसर, मात्र प्लस अज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस इच्छा पितृक्षा, और लास्ट हमारा भू प्लस आदि वादि, जिसमें भी आधा अक्षर दिख जाए वो सब क्या होंगे हमारे यह संधि के एग्जाम्पल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा होगा लेंथी होगा, और लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार जो आपको वीडियो है वो प्रोवाइड होते रहेंगे। तो इसको आप नोट कर लें, फिर मैं बढ़ूंगा लास्ट स्टेप पे, जिसको बोलते हैं हम अयाद संधि, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है हमारा स्टेप वो है अयाद संधि का। तो अयाद संधि में देख लेते हैं इसमें क्या है, तो इसमें है ए ए ओ और स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से हो, तो इसमें क्या होगा ओ का अब तथा ओ का आग हो जाता है, यानी कि ओ का अब तथा ओ का आग हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा। अब देखते हैं ने प्लस अन नयन, यानी ने प्लस अन नयन, इसको आपको ध्यान रखना है कि ने प्लस अन क्या होता है नयन। तो मैंने बताया ना कि ने प्लस अन और इसकी बेस्ट ट्रिक जो है वो मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। बीच में आपको कहीं भी या और बात दिख जाए तो आप आंख बंद करके लगा देना, वहां क्या होगी आपकी अयाद संधि होगी, जहां पर भी आपको बीच में आ या बा दिख जाए। देखो बा बा या 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 बा बा फिनिश, अयाद संधि आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। जो मैंने बेस्ट ट्रिक बताई है कि ट्रिक है ये आपकी कि बीच में आपको क्या दिख जाए आ यानी कि ये या और बा दिख जाए तो वहां पर क्या होगा आपका अयाद संधि। आप भी कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, हर जगह आपको मिलेगा वहां पर क्या होगा आपका अयाद संधि। न प्लस अक नायक, न प्लस इका नायिका, को प्लस अन पवन, को प्लस इत पवित्र, गो प्लस इस गवीस, और नौ प्लस इक नाभिक, और भो प्लस उक भावुक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको देखे क्या क्या दिखे आपको, जहां पर भी आपको दिखे या और वा तो आपको वहां आपको ध्यान रखना है, या और वा में आपको ध्यान रखना है कि वो वहां पर क्या होगी हमारी अयाद संधि। तो हमारी हमने पढ़ ली थी संधियों कितने भेद होते हैं, संधियों के तीन भेद होते हैं। सबसे पहली हमारी होती है स्वर संधि, दूसरी हमारी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। जो स्वर संधि के भेद थे पांच उनको हमने पढ़ रखा, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्ध संधि और ईड़ संधि, जिनको हमने स्टेप बाई पढ़ा है। उससे कोई दिक्कत नहीं कि आगे पीछे हो जाए। अब हमारा जो बचा वो बचा है डाक दो, वो कौन कौन से बचे हैं व्यंजन और विसर्ग संधि, उसके भी मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा दूं, फिर इसके बाद में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर तब भी आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन बचता है तो कमेंट करके जरूर पूछना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक कोई भी इसका क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा तो एग्जाम में हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आए आप पे वो ना हो पाए, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ और आपको साथ साथ में ट्रिक बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर ऊपर लिख देते हैं कि बेस्ट ट्रिक, और वो एक घंटे का वीडियो होता है हमारा, तो लिखवाते कुछ नहीं, बोलते जाते हैं
करवाते कम है, इसलिए आप इनको मेरे साथ में नोट भी करते हुए चलिए, ताकि उनको ध्यान से आप नोट कर पाए। तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को देखते हैं, व्यंजन संधि में क्या होगा। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम, व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इजी है। तो बा प्लस ई क्या हो गया, बागी। तो का प्लस ई क्या हो गया, गी। यानी कि आप इसको भी पहचान सकते हैं, बाक बाक प्लस। और जिसमें नीचे और एक ट्रिक है, जिसमें भी आपको हलंत देखेगा, ये सब संस्कृत के वर्ष से पढ़ाए जाते हैं। जो व्यंजन संधि होती है देखो, सब में लगा होगा, यानी कहीं ना कहीं देखो इसमें हलंत लगा, बाक में हलंत लगा, ता में हलंत लगा, इसमें भी हलंत लगा, इसमें भी हलंत लगा, इसमें भी सत में हलंत लगा, इसमें भी अंत में ऊपर, इसमें भी नीचे हलंत लगा, इसमें भी नीचे जगत, इसमें भी उत। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है इस, और इसको पहचानने की आपको जरूर ठीक है कि इसमें क्या करना है आपको। तो सत प्लस जन, आप सज्जन जैसे वहां पर उसने देख देख क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में, उन्होंने दे रखा बागी, तो बाघ प्लस ये थोड़ी करोगे आप, तो बाघ करोगे बाघ, यानी कि मैंने पहले बता दिया जहां व्यंजन में परिवर्तन हो जाए। तो बाघ प्लस ईस यानी उत प्लस हार उद्धार, दिग प्लस विजय दिग विजय, ऐसे भगवत प्लस भजन, तो भगवत भजन, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है हमारा सत प्लस गुण यानी कि सदगुण, सत प्लस गुण यानी कि सदगुण, सुख प्लस अन्न सुबन, तत् प्लस मय तन्मय। और नेक्स्ट है हमारा जगत प्लस नाम जगतनाथ, और उद प्लस लास उल्लास, और इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो बागीस पूछ लिया जाता है, सज्जन पूछ लिया जाता है, दिग्विजय पूछ लिया जाता है, ये पूछा जाता है दिग्विजय, और सदगुण पूछ लिया जाता है इसमें ये सदगुण, और एक पूछा जाता है ये उल्लास। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो व्यंजन संधि के बहुत ज्यादा मोस्ट नहीं, आपको ध्यान है एक हलंत ध्यान रखना, दूसरा आपको संधि विच्छेद आनी चाहिए। तो संधि विच्छेद आपने बचपन में पढ़ी होगी, किस तरीके से संधि विच्छेद करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा संधि विच्छेद कैसे की जाती है नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे पास एक और बच गया, वो रह गए विसर्ग संधि, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबा होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक रह गई विसर्ग संधि, उसको भी फिनिश करते हैं, फिर अपनी जो संधि है वो पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम जो लास्ट हमारी बची है उसे देखते हैं। तो विसर्ग संधि हमारी लास्ट है, इसको देख लेते हैं। तो जो विसर्ग संधि हमारी लास्ट है उसको देखने के बाद में फिर हम आगे एब्जॉर्व करेंगे क्या करना है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो लास्ट है हमारी, तो नी प्लस आहार, तो क्या हो गया निराहार। इनमें सब में आपको विसर्गे दिख रही है, यही विसर्ग संधि की पहचान है। देखो विसर्ग सब में दिख रहा है, सब में विसर्ग लगा हुआ है, सब में विसर्ग मिलेगा, ये तो आगे आपकी होगी पहचान। अब पहचानोगे कैसे, वो आपको ये संधि नहीं, ये नहीं देगा, विच्छेद नहीं देखेगा, वो देगा सिर्फ ये आपको, ये देगा उसमें लिखा होगा, ये पहचानने को आप इसको संधि विच्छेद करेंगे कैसे। जैसे इसमें दे रखा है निराहार, तो आप इसको क्या करोगे नी प्लस आहार, तो आपको ध्यान रखना है नी को आपको लगाना है और इसको हलंत लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ दुरासा, दू प्लस आशा, यानी कि इसमें छुप गया रा, यानी कि ये छुप गया रा, यानी व्यंजन के बाद विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, सीधे सीधे लिखा हुआ विसर्ग में जो विकार होता है यानी परिवर्तन होता है, विकार को बोलते हैं परिवर्तन। मन प्लस योग मनयोग, आपको ध्यान रखना है कि मन प्लस योग मनयोग, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मनोयोग, अब वहां एग्जाम में देखा दे रखा होगा मनोयोग, तो आपको क्या करना है मन प्लस योग मनोयोग। नी प्लस, अब वहां दे रखा होगा निराशा, तो आपको कैसे करना है निराशा, नी प्लस आशा तो करोगे जी, तो नी प्लस आशा, यानी तो आपको ये नहीं करना है, कहीं आप ये कर दो तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको ये गलत हो जाएगा, आपको ये नहीं करना है निराशा, आपको करना है नी प्लस आशा निराशा, तो आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसे कहीं कर दो इसको निर्धन में, निर और प्लस धन ऐसे कर दो, ये कर दो कहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नी प्लस धन यानी कि निर्धन, वो आपको ध्यान रखना नी प्लस धन यानी कि निर्धन, दो प्लस बल यानी कि दुर्बल, ऐसे ही नी प्लस चित यानी कि निश्चित, नी प्लस फल यानी कि निष्फल, और अनुप्लस छेद यानी कि अनुच्छेद,
नी प्लस रस यानी कि नीरस, अता प्लस एक अतैन, और प्रातः काल यानी कि प्रातः प्लस काल यानी प्रातः काल। तो आप इसको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है एक तो दुर्बल, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मनोयोग ये पूछ लिया जाता है, और निष्फल ये पूछा जाता है, और अनुच्छेद ये पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है अतः। तो आपको इनको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किस तरीके से ये है। मैंने आपका पूरा जो भी संधि थी, संधि मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी। संधि कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो सबसे पहले स्वर संधि, जैसे बोला स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में व्यंजन संधि, वो भी आपको बता दी। इसके बाद में विसर्ग संधि थी, वो भी मैंने आपको बता दी। संधियों के भेद, स्वर संधि कितने भेद थे वो भी आपको मैंने बता दी। एग्जाम्पल स्वर संधि की क्या पहचान थी वो भी मैंने आपको बता दी, कि स्वर संधि में कहीं भी स्वर आए, आपको कहीं भी स्वर दिखे तो वह स्वर संधि होगी। इसके बाद में मैंने यण संधि आपको बताई कि आधा अक्षर जहाँ आपको दिखे वहां पर क्या होगी यण, गुण आपको जहाँ दिखे यानी दुनेश महेश सुरेंद्र गजेंद्र महेंद्र जहां भी आपको गुण दिखे तो वहां पर क्या होगा आपका, ऐसी बात गुण। अयाद संधि मैंने कहा था आपको, जहां भी या और वा दिख जाए तो वहां पर अयाद होगा। सिंपल सी है सब कुछ लॉजिक। वृद्ध संधि, जहां पर डबल मात्राएं दिख जाए तो वहां पर क्या होगी वृद्ध संधि, कहीं भी डबल मात्रा आपको दिखेंगी तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो मेरी वीडियो आपको अगर कुछ जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो जो भी होंगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। मैथ की भी सबकी मिलेगी, मगर क्या टाइम नहीं मिल पाता, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बाद में फिर टाइम नहीं मिल पाता इतना वीडियो बनाने का। इसलिए जो मैंने आपकी संधि कराई है एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, बेस बनाए अपना, और वीडियो को बार बार देखें। जितनी बार भी जब भी आपको क्लियर ना हो तो दोबारा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।